लोकसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशियों में से सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटने ने तूल पकड़ लिया है। घोषित सूची में मंडावा विधायक नरेंद्र खीचड़ को टिकट दिया गया है। अहलावत का टिकट कटना समर्थकों और स्थानीय लोगों को रास नहीं आ रहा है। शुक्रवार को सूरजगढ़ में सांसद अहलावत निवास पर जिले भर से आए समर्थकों और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा रहा। बैठक में भाजपा संगठन और शीर्ष नेतृत्व के प्रति नाराजगी देखी गई, तो वहीं सांसद अहलावत ने सभी को शांत करते हुए कहा कि पार्टी ने टिकट क्यों काटा है यह समझ से परे है। वह उनकी भावनाओं का सम्मान करती है और सभी की भावनाओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि सांसद संतोष अहलावत ने पार्टी की खिलाफत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, झुंझुनू जिले में भाजपा को खड़ा करने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी, क्या गर्मी क्या बारिश और क्या धूप, मैंने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए और यहाँ पार्टी खड़ी हुई 70 वर्ष में पहली बार 2014 में मैं यहाँ से शीशराम जी ओला के परिवार को हरा कर पूरे 3 लाख से जीती। मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया अपना, लोकसभा के विधायी कार्यों में मैंने अच्छा काम किया, जिले में भी अभूतपूर्व काम हुए, यहाँ बड़े काम भी हमने किए, नेशनल हाईवे, पासपोर्ट कार्यालय, सैनिक स्कूल, हमारी रेल का काम, 4 लेन जैसे हमने महत्वपूर्ण काम भी किए। पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया है तो ऑब्वियसली जो लोग मेरे साथ 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, रात भर से उनके फ़ोन आ रहे थे, वो गुस्से में थे, परेशान थे। और ये कोई आयोजित प्रायोजित मीटिंग नहीं है, कार्यकर्ता अपने आप चलकर आए हैं, समझाया है मैंने उनका, मैं पार्टी की अनुशासित कार्य। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।